आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम देखेंगे देसी मुर्गी पालन फ्री रेंज में रख के कैसे किया जाता है, अपने खेत में बरसिंग में चुगा के जो है फीड का खर्चा कम करते हैं ये भाई, और जानते हैं इनसे इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करें। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मेरे जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं, एक बार उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दें। सर जी, मेरा नाम मारूफ है जी, और मैं जई का रहने वाला हूँ, और एक खजूरी में हमारा फार्म है। अच्छा, तो मारूफ भाई, जैसे आपने ये फार्म किया हुआ है, बड़े बढ़िया तरीके से आपने फार्म बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम है आपका जी, और फ्री रेंज में ये मुर्गियाँ चुग रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने तो पूरा बरसी का खेत, बरसी की इनके लिए बोई हुई है, वो इसमें चुग रही हैं, कहीं भी जाएं कहीं भी आएं। तो ये आइडिया आपको किस तरीके से आया, कहाँ से ये आइडिया पैदा हुआ, और कितने दिन पहले आपने ये शुरू किया? सर जी, ये यूट्यूब पे देख के आइडिया मिला मुझे जी, कि अगर हम दाना खिलाएंगे तो हमारा खर्च ज़्यादा आएगा जी, और अगर फ्री रेंज में चुगाएंगे तो आधा खर्च आएगा हमारा। टाइम आपके फार्म में कितनी मुर्गियाँ हैं? हमारे पास करीब 400 मुर्गियाँ हैं, बड़ी बड़े हैं, और बाकी 2000 चूजे हैं। अच्छा, मतलब जो अंडे पे आ गई हैं मुर्गी हम 400 हैं जी, और चूजा कितना है इस टाइम? 2000 चूजे हैं। अच्छा, उस चूजे में कैटेगरी क्या क्या है, कितने टाइम के कितने हैं, कितने टाइम के कितने हैं? हमारे यहाँ एक दिन से लेके और कितना भी बड़ा ले लो सब मिलेगा। अच्छा, अपनी मशीनें लगी हुई हैं, हम अपनी मुर्गी से अंडा लेते हैं, उसी से चूजा निकालते हैं। अच्छा, तो ये जो आप हमारे पीछे दिखाई रहे हैं बरसी के खेत में जो चुग रही हैं मुर्गियाँ, ये आपका जो है मदर प्लांट है जी, इसी से आप अंडा लेते हैं जी। जी, तो अब हम बात करें इससे इनकम करने की। कोई भी किसान भाई है, कोई काम करता है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मैं इससे इनकम कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो इनका अंडा है, आप अंडा कितने रुपए का बेच रहे हैं? अंडा बेच रहे जी, सर जी, हम यहाँ से 15 रुपए का अंडा बेचते हैं कम से कम। अच्छा, 15 रुपए का अंडा बेचते हैं आप, और अगर चूजा निकाल के देते हैं तो 25 रुपए का चूजा देते हैं। अच्छा, चूजा 25 का बेचते हैं और 15 का अंडा बेचते हैं। अब हम बात करें अगर चिकन पर्पज से जी, तो अगर आप यहाँ से मुर्गा बेचते हैं जी, तो वो किस रेट से बेचते हैं और किस हिसाब से बेचते हैं? सर जी, जैसे भी कस्टमर आता है, करीब 1800-1900 रुपये का, 1200 रुपये तक का चला जाता है। वेट कितना होता है उसमें? वेट होता है करीब 3-4 किलो तक। अच्छा जी, तो मतलब आप जो है मुर्गा ही बेचते हैं, और वो मतलब अच्छा भारी भरकम करने के बाद बेचते हैं? नहीं, अगर कोई कस्टमर छोटा मांगे छोटा भी, जैसा बचाएगा ऐसे मिलेगा हमारे यहाँ। तो मारू भाई, आपको इस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया? हमें सर जी करीब करीब हो गए 2 साल। 2 साल से कर रहे हैं आप जी। मतलब एक मैं किसान होने के नाते, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान के बेटे हैं जी। जी, किसानों की तरफ से मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये काम किसान के लिए कितना लाभदायक है? अगर कोई अपनी खेती के साथ साथ इसे करे तो वो क्या इससे बेनिफिट उठा सकता है? सर जी, ये 3 बीघे की जमीन है जो हमने घेर रखी है। अच्छा, 3 बीघे में फार्म है पूरा, फ्री रेंज भी और अंदर बना हुआ भी जी। और 3 बीघे से अगर हम फसल लेंगे तो हमें साल में 15-20 हज़ार रुपये कमा पाएंगे। बिल्कुल, और मुर्गी में हम कुछ भी नहीं, 50,000-60,000-1,00,000 रुपये महीने तक भी कमा लेते हैं। अच्छा, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट है जी। जी, अच्छा एक बात और मुझे बताइए भाईजान, जैसे कि आपने फ्री रेंज में इतना कुछ ये करा हुआ है, बरसी है, जई है, यहाँ बोई हुई है जी, और मुर्गियाँ हमारी घास खा रही हैं, सब कुछ खुला खुला है, तो क्या हमारा जो फीड कंजप्शन है उस पर कितना फर्क पड़ता है? इससे पड़ता है जी, करीब करीब आधा हो जाता है। अच्छा जी, तो जो हमें फीड देनी है उसका सही आधा हो जाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्री रेंज में रहने से इसकी प्रोडक्शन में या इसकी बढ़वार में या इसके एग के प्रोडक्शन में कमी आती हो, ऐसा तो नहीं? नहीं जी, ये जैसे इसका मन करेगा हम जबरदस्ती नहीं चुगा रहे, जितना मन कर रहा है बाहर चुग रही है, जितना मन करेगा दाना अंदर है अंदर चुग लेगी। अच्छा, अपनी मतलब मर्जी की मालिक है, जब दिल करेगा अंदर चली जाएगी, दिल करेगा बाहर आ जाएगी। अब बात आती है, ये तो आपने इसके फायदे, इसके प्रॉफिट और इससे इनकम की बात बताई, अब एक बात आती है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी फार्म खोलता है और उसमें बीमारी आ गई या और अदर कारणों की वजह से कोई दिक्कत आ जाती है और आदमी जो है फेल हो जाता है जी, तो वो क्या बातें हैं जिनसे फार्म फेल होते हैं?
हमारा तो आज तक हुआ नहीं जी फैल। नहीं तो आपका नहीं हुआ कि मतलब जैसे हो जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमने सुना है पर हमारी बीमारी ऐसी आई नहीं कि सब एक साथ मर गए, एक आध पीस तो मरता मर जाएगा कभी कभार जी, पर सब नहीं मरे एक साथ। तो क्या इनके लिए कोई वैक्सीन वगैरह या कुछ और इंतजाम? वैक्सीन है, जहाँ से हम फीड खरीदते हैं उनसे उनसे कोई भी बीमारी होती है उन्हें बताते हैं, एक बार मर गया उसे लेके जाएंगे, वो देखेगा उसी की दवा दे देगा। अच्छा, वो दवाई आपको मुहैया करा देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे मान लिया फ्री रेंज में जो मुर्गे मुर्गियाँ घूमते हैं उनमें बीमारियाँ वैसे भी कुछ नहीं असर नहीं करती? हाँ, असर नहीं करती बीमारी जो बाहर फ्री रेंज में घूमते हैं भाई, क्योंकि वनस्पति है, जड़ी बूटियाँ हैं, वो खाते हैं, उनसे ही जो है सब कुछ सही हो जाता है। अंदर रहेंगे तो इनका दम घुटा से रहे, बाहर घूम ले तो इनको खुले में अच्छे से महसूस करती हैं ये। हाँ, बाहर की प्रकृति में आने के बाद में इन्हें जो है बहुत ही बढ़िया लगता है जी। अब बात आती है कि ये जो आपने फार्म, चलो जमीन तो आपकी थी, आपने जो ये सेटअप किया तो इस सेटअप में आपने कितना पैसा लगाया? इसमें करीब करीब हमारा 8 लाख करीब लगा था। अच्छा, उस टाइम 8 लाख रुपये लगे था। अब ये तो बात हो गई मारो भाई के 8 लाख रुपये आपने खर्च किए। अब एक छोटा किसान है, बेरोजगार है जी, उसका बजट नहीं है इतने पैसे खर्च करने का, तो वो किस तरीके से जो है इस मुर्गी पालन को करे? अगर किसान के पास पैसे नहीं है तो वो 100 बर्ड से स्टार्ट कर सकता है जी, और 100 बर्ड से भी वो करीब करीब 20-30 हज़ार महीना आराम से कमा लेगा। अच्छा, 100 चूजे अगर वो पाले। हाँ। अच्छा, अब आपने कहा जैसे 100 बर्ड से करेगा 20-30 हज़ार रुपये कमा लेगा, लेकिन क्या है कि उसके रखने के लिए या रहने के लिए क्या कुछ ऐसा है कि जो आसान से थोड़े पैसे में स्ट्रक्चर तैयार हो जाए और वो काम कर सके? वो कच्चा फार्म बना ले, बांस वगैरह का, बांस बल्ली का फार्म बना ले, टीन शेड की जगह वो तिरपाल लगा ले, सब चल जाएगा काम। हाँ, फूस वगैरह का। हाँ, बना के सस्ते में जाएगा। या आपने कोई एक्स्ट्रा कमरे या मतलब कोई ऐसी जगह हो, पहले ही एक्स्ट्रा कमरा बना हुआ उसमें रख ले, बिल्कुल तब भी पाल लेगा। एक मशीन ले ले हमसे, मशीन मिल जाएगी, उसी से अपना चूजा निकालो और चूजा बड़ा करो, छोटा भी बड़ा भी सब तरह का निकालो, 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। तो सबसे कम छोटे जो है, छोटी से छोटी जो मशीन है वो कितने अंडे की आती है? छोटी से छोटी से 100 अंडों की भी आती है, 200 अंडे की भी आती है, 300 की भी आती है, कैसी भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब वो अपने बजट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप कैसे भी ले। अच्छा, एक चीज़ है जैसे कि आज देसी मुर्गी की बहुत मांग है जी, जी बहुत चलन में है, तो ब्रॉयलर की जो फार्मिंग है और देसी की जो फार्मिंग है उसमें आप कौन सी को अच्छी मानते हैं? देसी अच्छी है जी। कारण? कारण 35 दिन तक तो ब्रॉयलर दाना खाएगा, बिल्कुल वजन बढ़ाएगा जी, उसके बाद में दाना खाएगा वजन नहीं बढ़ाएगा, वो हमें खाएगा। अच्छा, फिर दाने की कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा? वेट नहीं बढ़ाएगा वो, तो इसलिए जो है। और इसमें क्या है? इसमें जितना खाएगा वजन बढ़ता रहेगा इसका, अगर हमें रोकना है एक महीने बाद बेचना, 2 महीने बाद बेचना, तो ये घटेगा नहीं बढ़ेगा। हाँ, और ज़्यादा लंबा टाइम होगा तो फिर अंडे पे आ जाएगा जी, अंडे पे आ जाएंगी मुर्गियाँ। और जब अपना काम और ये देसी को लोकल के लोग भी खरीद लेते हैं, जैसे लॉकडाउन लगे थे पिछली बार, अगर ऐसा कुछ हो जावे तो कोई भी हम लोकल में बेच सकते हैं, बॉलर ऐसा नहीं बिकता। अच्छा, आप जैसे अभी हमने कहे लोकल के लोग खरीद लेते हैं जी, अभी क्या है कि आपके यहाँ से मुर्गे अंडे ये सब कहीं आपको ले जाके बेचने पड़ते हैं या किस तरीके से होता है? हमारे यहाँ किसान भी ले जाते हैं जी, और फेरी वाले भी ले जाते हैं, और फार्मर भी ले जाते हैं, जो फार्मर नए स्टार्ट हो रहे हैं, जो फार्म नया करना चाहते हैं नए भी ले जाते हैं, पुराने भी ले जाते हैं, किसी को चूजा चाहिए 15 दिन का तो हमसे 15 दिन का लेके जाते हैं, वो एक दिन का लाएंगे तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, तो हम उसे एक दिन से 15 दिन तक अपने मजदूरों से तैयार करा लेते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि एक दिन का चूजा आप कितने का दे रहे हैं? एक दिन का चूजा दे रहे हैं जी हम 22 रुपये का। अच्छा, एक दिन का 22 रुपये का चूजा जी, और जो 15 दिन का चूजा है वो कितने का दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 60 रुपये का। 60 रुपये का जी। तो ये मतलब जैसे 15 दिन का और एक दिन का, इसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? 15 दिन का, एक दिन का तो अंडे से निकला, हाथ क्या दे दे, हमारा कुछ नहीं खाया उसने। हाँ, खर्चा नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। 10 हमारा अंडा 15 रुपये का बिक रहा था, हमारा चूजा 22 का बिका, 7 रुपये प्रॉफिट बढ़ गए हमारे जी, जी। और अगर 15 दिन उसे करके बेचेंगे हम तो ब्रूडिंग का खर्चा भी है और उसका फीड का खर्चा भी है, वैक्सीनेशन का भी खर्चा भी है, तो इसलिए वो कॉस्ट आ जाती है। कम से कम 10-15 रुपये हम बढ़ा के बेचते हैं उसमें, जो मजदूर की मजदूरी निकालने के लिए। तो भाईजान, अपने इस मुर्गी पालन के बारे में और किसान भाई जो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया काम है भैया, अगर छोटा प्रॉफिट, छोटे बजट है अपना, किसी की मजदूरी ना करके अपना काम लेके बैठो, इस काम में अगर इस काम में लगेंगे तो किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी।
हाँ ये है अपना छोटा सा काम हो उसी से हम इनकम कर रहे हैं। अगर बजट बिल्कुल भी नहीं है तो 100 से नहीं 50 से स्टार्ट कर लो, अपने घर पे रह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने टेम्परेरी दड़वे वगैरह बना के इसी तरीके से छोटा जाल बनाओ, दड़वा बनाओ, उसमें रखो, एक कमरा हो एक्स्ट्रा उसमें रखो, अपना काम करो। तो भाई जी आपने हमारे दर्शकों को इस देसी मुर्गी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी से आपने जानकारी ली, उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।